और अब हम आपको सीधे हरिद्वार ले चलते हैं जहां पर समाचार प्लस के ऐप की लॉन्चिंग हो रही है। हम आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण समाचार प्लस के ऐप की लॉन्चिंग करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि अब समाचार प्लस आपके मोबाइल में होगा और हर खबर से आप सबसे तेज अपडेट रहेंगे। समाचार प्लस आप टीवी पर देखते थे, टाटा स्काई पर आप देखते थे, लेकिन अब आपके बेहद करीब आ गया एंड्रॉइड के साथ एप्पल मोबाइल में अब समाचार प्लस आप देखेंगे। और इसकी लॉन्चिंग हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में हो रही है। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी मौजूद है, समाचार प्लस की पूरी टीम मौजूद है। खबरों में अपडेट रहने के लिए अब मोबाइल पर भी समाचार प्लस आप देखिए। और सीधे रुख करते हैं हरिद्वार का। हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनके साथ समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। पंकज, वाकई में एक अच्छा दिन है, खुशी वाली खबर है लोगों के लिए क्योंकि समाचार प्लस अब उनके और भी करीब आ गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आधुनिक युग में अगर कहा जाए तो हर माध्यम के साथ हम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं। पहले हम केवल नेटवर्क्स पर थे, उसके बाद हम टाटा स्काई पे आए और अब जनता के, और अगर कहा जाए तो जो तमाम दर्शक हैं उनके हाथ में जो मोबाइल है उस तक हम पहुंच गए हैं। मैं आचार्य बालकृष्ण जी से आग्रह करूंगा कि वो ऐप जो हम है समाचार प्लस का उसकी लॉन्चिंग करें और उमेश कुमार जी से मैं ये आप देख सकते हैं कि आचार्य बालकृष्ण ने किस तरीके से ऐप की लॉन्चिंग की है और उमेश जी साथ में हैं और कहीं ना कहीं जो पंख समाचार प्लस ने एक और सफलता के पाए हैं वो साफ तौर पर नजर आता है कि जिस तरीके से कम समय में समाचार प्लस ने तमाम ऊंचाइयां छुई हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से लगातार समाचार प्लस आगे काम कर रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आचार्य बालकृष्ण जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द अगर आप इस पूरे समाचार प्लस की जर्नी और उसके साथ साथ जो नया हमने ऐप जनता के लिए वो किया है किस तरह देखते हैं आप और कितना आपको लगता है कि हम और जुड़ सकते हैं, उसके सुझाव भी आप देंगे। इस एक और मुकाम को हासिल करने के लिए पहले तो समाचार प्लस को मेरी बहुत शुभकामनाएं और समाचार प्लस के तमाम जितने भी कर्मयोगी भाई बहन हैं, भाई उमेश जी मेरे साथ हैं, आप सभी लोग जिनके प्रयास से यह समाचार प्लस चैनल एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है उसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज का समय हम समय के साथ कदम ताल करने का है, जो समय को जिसने नहीं पहचाना वो पिछड़ गया, तो इसलिए जरूरी था कि जिनको समय नहीं है, जो टेलीविजन में बैठ करके समाचार को नहीं देख पाते हैं, वो चलते फिरते भी अपने मोबाइल पर समाचार प्लस को अब देख पाएंगे। ये प्रसन्नता की बात है, समाचार की प्रामाणिकता को आप अपने मोबाइल पर देख सकें ये सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां, और आप लोग समाचार प्लस को मोबाइल पर भी देखिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। जी, क्योंकि आप जनता को रोग मुक्त देखना चाहते हैं और आपकी जो कोशिशें, बाबा रामदेव जी की जो कोशिशें हैं वो साफ नजर आती है, आप किस तरह देखते हैं और कुछ सुझाव आप जनता को फिट रहने के भी देंगे? हाँ, मैं तो चाहूंगा कि जो मोबाइल पर समाचार प्लस है तो इसमें कुछ हेल्थ के लिए, कुछ हमारे हेल्थ टिप्स के लिए, आयुर्वेद के लिए, दैनंदिन जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों के लिए ये चीजें भी यदि आप उसमें जोड़ सके उसको दे तो उसका लाभ पूरी जनता को मिलेगा। और इस तरह के कार्यक्रम से और जो इसका घर घर तक पहुंचाने का जो अभियान है वो और सफल होगा। हमारे एडिटर चीफ उमेश कुमार जी भी हैं। उमेश जी, किस तरह देखते हैं, आपने जो शुरुआत की थी, और जब शुरुआत की थी तो हमने ये सोचा नहीं था कि हम इतने ऊपर तक इतने कम समय में पहुंचेंगे, आप किस तरह देखते हैं, एक और सफलता आपने छुई है, पूरी आपकी टीम ने छुई है, हमने छुई है, समाचार प्लस ने छुई है, किस तरह देखते हैं? पंकज, समाचार प्लस पर जो जनता ने भरोसा जताया है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये जनता का प्यार है, स्नेह है, उनका हमारे ऊपर भरोसा है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं स्वामी रामदेव जी का, आचार्य बालकृष्ण जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ऐप का शुभारंभ किया। अब जल्द से जल्द मोबाइल पर भी लोगों के पास समाचार प्लस पहुंचेगा और भविष्य में भी जो सुझाव स्वामी जी के होंगे, आचार्य जी के होंगे, उनको हम लागू करेंगे। और बस इसी के साथ मैं सभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सभी को धन्यवाद देता हूं कि अपना प्यार, भरोसा, स्नेह हम पर बनाए रखें।
कुछ सुझाव आचार्य जी ने भी दिए हैं कि हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें, क्या इसको भी आने वाले समय में आप वो करेंगे? देखो, फिटनेस मंत्रा अभी इतना फैल गया है कि हर इंसान, हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो बहुत जागरूक हो गया है फिटनेस को लेके, और हेल्थ इज वेल्थ। योग ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि साइंस से भी ऊपर योग है। स्वामी रामदेव जी ने जब योग शुरू किया था तो लोग कहते थे क्या है यार, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। धीरे 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 लोग उसको मानने लगे, उसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया, और उसके बाद विश्व योगा डे मनाया गया। हरियाणा में योगा को, स्वामी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पूरी दुनिया में योगा का, जो योग का, आयुर्वेद का जो परचम पतंजलि योगपीठ ने फैलाया है वो अपने में अतुलनीय है। अभी स्वामी बालकृष्ण जी, जो आचार्य बालकृष्ण जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उसका इनको जो है ये उसका सर आयुर्वेद के ऊपर वो किताब है, और 38 भाषाओं में, भाषाएं हिंदुस्तान की नहीं, 38 दुनिया की भाषाओं में उसका रूपांतरण हो रहा है, और तकरीबन 38 पब्लिशिंग हाउस जो दुनिया के बड़े हाउस हैं वो उसका पब्लिशिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। यूएस के लोटस, जो लोटस पब्लिशिंग है, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिशिंग हाउस, उसने उसकी एक बुक का पब्लिकेशन कर भी दिया है ऑलरेडी। तो जिस तरीके से योग को पतंजलि योगपीठ लेकर चला है दुनिया भर में, आयुर्वेद को, वो अद्भुत है। उससे भारत जो है दुनिया के नक्शे पर योग के उससे जाने जाने लगा है। विदेशी सैलानी हमारे यहाँ आते हैं, लोग एक एक महीना, डेढ़ महीना, दो दो महीना यहाँ आके रह के जाते हैं, योगा करते हैं, और उसके बाद फिर वो जाकर लोगों को बताते हैं कि देखिए योगा से मुझे इतना फायदा, मुझे शुगर थी या मुझे कुछ और बीमारी थी या मुझे दर्द था या जो भी था। लोग खुद, हमें इतने लोग टकरते हैं जो खुद कहते हैं कि साहब मैंने योगा शुरू किया तो मेरी जो स्लीप डिसऑर्डर था वो ठीक हो गया। कई सारी चीजें ऐसी हैं, तो योग तो योग है। तो स्वामी जी का और आचार्य जी का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भारत को योग में और आयुर्वेद में एक पहचान दिलाई। सही बात है कि योग जो है वो निरोग रखने की पूरी क्षमता रखता है, और जिस तरीके से आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव जी ने योग में काम किया है वो अपने आप में अतुलनीय है, और उसके सब जानते हैं और सब मानते हैं। जी बिल्कुल पंकज, हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। और आचार्य बालकृष्ण जी से पूछिए, क्योंकि चैनलों की बहुत सारी भीड़ है, जन सरोकार लोगों की आवाज समाचार प्लस बनता है, किस तरीके से समाचार प्लस को अलग देखते हैं आचार्य बालकृष्ण? बिल्कुल आचार्य जी, हमारे एंकर पूछना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ काफी है चैनलों की, और हमको एक अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखना है, हमें अपनी जो मूल्य हैं उनको नहीं खोना है। आप समाचार प्लस को कितना अलग मानते हैं, क्योंकि आपने जर्नी भी देखी है, आपने उमेश जी के संघर्ष को भी देखा है, किस तरह देखते हैं? संघर्ष से सफलता में आदमी विचलित होने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो जिस तरह से उमेश जी ने संघर्ष करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमें विश्वास है कि अपनी मर्यादाओं और अपनी परंपराओं और मूल्यों के साथ में मीडिया के क्षेत्र में भी एक आदर्श एक स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसमें जरूरी भी है, यदि हमको भीड़ से अलग देखने के लिए दो उपाय हैं कि हम नेगेटिवली चलते हैं तो लोग भीड़ से अलग तो देखते हैं पर लोगों में आपको देख करके प्रसन्नता, खुशी और सहृदयता या अपनत्व का भाव जागृत नहीं होता है। वो क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से या एक तरह से आपके प्रति कहीं ना कहीं नफरत से देखते हैं, तो वो हमको अलग करना, इस रूप में नेगेटिव रूप में होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सकारात्मक रूप से अलग हों, हमारी सच्चाई से, हमारी ईमानदारी से, हमारे पुरुषार्थ से, और लोग देखें, समाचार देखना हो तो लोगों को लगेगी समाचार प्लस एक प्रामाणिक समाचार है, एक चैनल है। तो हम तो यही आशा करते हैं और इस बात को आप बखूबी निभाएंगे, हमको विश्वास है। और समय के साथ कदम ताल करते हुए पूरी निष्ठा और पूरी दृढ़ता के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमको आगे बढ़ने से ना रोके, रोक सके तो कोई रोक नहीं पाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि इन्हीं मूल्यों के साथ आप आगे बढ़ें।
आचार्य जी, आप भी खुद समाचार प्लस के दर्शक हैं, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कुछ जैसा कंटेंट हम दिखाते हैं, आप उसमें कुछ सुझाव देना चाहें कि क्या और चीज होनी चाहिए, और आपने जिस लगातार समाचार प्लस को वॉच किया, समाचारों में जितने भी चैनल हैं आज, क्योंकि समाचार की जगह पर कहीं ना कहीं उसको मनोरंजनात्मक स्वरूप बनाया जाता है, समाचार को समाचार के रूप में लेकर के आया जाए, समाचार में जब जिन भाषाओं को हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे जितने भी जो उसमें चैनलों में बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो भाषागत निपुणता भी हो, अभी तक समाचार प्लस क्योंकि अभी बढ़ते हुए कदम की ओर बढ़ रहा है, तो इन चीजों को और परिष्कृत रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो लोगों की स्वीकार्यता है, लोगों का प्यार है, वो सबसे ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी तक का जो कदम रहा है समाचार प्लस का, जो हमने देखा है, महसूस किया है, वो संतोषप्रद है, सकारात्मक है, अच्छा है, पर अभी हमको आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। तो जो ताकतें हैं जो हमको आगे बढ़ाती हैं, उन ताकतों से अपने आप को परिपूर्ण कर करके, अपने आप को अपने अंदर शक्ति ऊर्जा से ऊर्जा को भर के फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं ऊर्जाओं के साथ आप आगे बढ़ें, हमारी बहुत शुभकामनाएं। जैसा आचार्य जी आपने कहा, बिल्कुल हम आपसे वादा करते हैं कि जैसा हम सकारात्मक रूप से हमेशा चलते रहे हैं, हम नकारात्मक खबरें भी दिखाते हैं लेकिन वो भी सकारात्मक रूप से, और कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिशें हैं वो हमेशा जारी रहेंगी, और चलिए सफलता के तमाम आयाम छूता रहेगा। बिल्कुल, एक अच्छा दिन आज, एक अच्छी खबर लोगों के लिए, समाचार प्लस उनके और भी करीब। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज पवार, आचार्य बालकृष्ण जी लगातार जिन्होंने ऐप लॉन्च किया, और समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और समाचार प्लस को यहां तक पहुंचाया है, और वाकई में हमारा संघर्ष ही है जो लोगों के मन में एक भरोसा पैदा करता है और हम लोगों की आवाज बुलंद करते हैं, और उसके लिए एक बड़ा कदम यह है कि समाचार प्लस अब आपके मोबाइल में है। आपको करना कुछ नहीं है, लॉन्च हो गया हमारा ऐप, और अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ऐप स्टोर में जाना होगा, ये देखिए, और फिर आपको समाचार प्लस डाउनलोड करना होगा, ये देखिए। तरीका बहुत आसान है, सरल है, और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां से समाचार प्लस के ऐप को, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आप हर मिनट हर सेकंड समाचार प्लस की खबरों से रूबरू रहेंगे और सबसे तेज खबरें आप तक पहुंचेंगे। आप कहीं भी रहेंगे, समाचार प्लस हर दम हर पल आपके साथ होगा और सबसे तेजी के साथ खबरें आप तक पहुंचेंगी, आप हर वक्त अपडेट रहेंगे। आचार्य बालकृष्ण की है समाचार प्लस के ऐप की लॉन्चिंग, इस मौके पर समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा है, शुभकामनाएं दी और कहा कि दरअसल समाचार प्लस लोगों की आवाज है, लोगों की आवाज उठाता है, उनकी आवाज को बुलंद करता है, और ये एक बेहतर कदम है ताकि लोगों को और भी समाचार प्लस के करीब लाया जा सके, और ये आसान तरीका जिसे हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, आप अपने आईफोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर में जाएंगे और समाचार प्लस को डाउनलोड कीजिए, आपको हर तरह की खबर सबसे तेज आपको मिलेगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और फिर समाचार प्लस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है, किसी भी तरीके की देश दुनिया प्रदेश हर तरह की खबर आपको बखूबी मिलेगी। ये देखिए ऐप के लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीरें, जब आचार्य बालकृष्ण ने, रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने समाचार प्लस के इस ऐप को लॉन्च किया और खुद उन्होंने खबरों को देखा भी, तो आचार्य बालकृष्ण भी समाचार प्लस के दर्शक, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाचार प्लस लोगों की आवाज को बुलंद करता है, लोगों की आवाज है समाचार प्लस, उससे ये मील का पत्थर एक और बड़ा कदम ताकि लोग बहुत आसानी से और सबसे तेज खबरें जान सकें। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में यह कार्यक्रम हुआ थोड़ी देर पहले, आचार्य बालकृष्ण ने समाचार प्लस के ऐप की लॉन्चिंग की है, समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि अब आपको टीवी पर आप समाचार प्लस देखते थे, एक बड़ा कदम टाटा स्काई की तरफ हमारा पहुंचा, और अब आपको हर पल किसी भी खबर से महरूम नहीं होना पड़ेगा, आप फौरन समाचार प्लस के ऐप को डाउनलोड करते ही आपको पल पल की जानकारी, पल पल की खबरें, आपके प्रदेश से जुड़ी हुई, आपके शहर से जुड़ी हुई, आपके देश से जुड़ी हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हर खबर, हर क्षेत्र की, हर जगत की खबर आप आसानी से देख सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि दृढ़ता से बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं पाता है और समाचार प्लस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है, लोगों की आवाज बन चुका है, तो फिर आपको भी देर नहीं करनी है, टीवी के साथ ही अब आप मोबाइल में भी समाचार प्लस को देख सकते हैं। तो खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल पर भी समाचार प्लस आ चुका है, आचार्य बालकृष्ण ने थोड़ी देर पहले इस ऐप को लॉन्च किया, ये तस्वीरें आपके सामने थी, और समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।
तो बहुत आसान सा तरीका है आपके लिए। अब समाचार प्लस आपके मोबाइल में है बेहद करीब। अब आप किसी भी खबर से महरूम नहीं होंगे। समाचार प्लस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, हर खबर को देखिए। नमस्कार।